आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश और राज्य की स्थिति और विधायक रहीम खान के कार्य और बजट के संबंध में जानने के लिए केपी न्यूज के संवाददाता ने मिर्जा सफीउल्लाह बेग से की मुलाकात और ली जानकारी। बजरंग दल के कार्यकर्ता के परिवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दिए 25 लाख रुपये। कर्नाटक करनाल बागवानी यूनिवर्सिटी में होगा तकनीकी का आदान प्रदान का समझौता। बिहार के गोपालगंज में वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले 1.5 करोड़ कैश, रस्त में लिए गए 3 युवक। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की फोन पर बात, भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर की चर्चा। 11 साल के यूक्रेनी बच्चे ने दिखाई गजब की हिम्मत, जान बचाने के लिए अकेले तय किया 1000 किलोमीटर का सफर। अब समाचार विस्तार से। बिदर जिला AIMIM के नेता मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने पिछले दिनों देश और राज्य की स्थिति पर चिंता जताते हुए इस संबंध में अपने आवास पर प्रेस मीट की थी और देश और राज्य में मुसलमानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के संबंध में बताया था। साथ ही उन्होंने बिदर के विधायक रहीम खान पर भी काफी सवाल उठाए थे इसी विषय में और राज्य में हाल ही में हुए बजट सेशन के संबंध में विस्तार से जानने के लिए केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने मिर्जा सफीउल्लाह बेग के आवास पहुंचकर उनसे बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। का काम नहीं करना चाहिए था, तो मतलब जैसे भी अभी कोई कांग्रेस लीडर्स भी जो है बीदर में भी कुछ अलन के लड़कों को, यानी 37 जो है लड़कों को वहाँ पर रखा गया है। 37 लोग हैं, एक लेडीज़ भी है वहाँ पर महिला, उन लोगों को रखा गया है। उनसे मिलने के लिए भी काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर्स हर रोज़ आते आ रहे हैं। इसके जो है न्यूज़ों में, अखबारों में फ़ोटोज़ भी उनके आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, और जो हमारे बीदर के कांग्रेस सीनियर कायद है मन्नान सेठ, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, वो भी लोगों से मिलने के लिए जेल को गए थे। तो कांग्रेस मतलब कोशिश कर नहीं रही है क्या, आप सिर्फ कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जब इनको 38 लोगों को आनंद से ला कर रख बीदर जेल शिफ्ट किया गया, सबसे पहले मजलिस के हम दो नुमाइंदे गए थे। आप वहाँ पे सीसीटीवी फोटेज चेक कर सकते हैं सबसे पहले, लेकिन हम मुनासिब नहीं समझे कि हर चीज़ की वीडियोग्राफी करें, हर चीज़ डालें, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे इसलिए हम मुनासिब नहीं समझे। और रही बात सीएम इब्राहिम साहब की और ये लीडरशिप की, हमारे रहीम खान साहब की, ये मुस्लिम लीडरशिप की, भाई जब आप अलम के ताल्लुक से जमीर अहमद खान साहब, यूटी खादर साहब, ये सब लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं आपसे ये बोलता हूँ भाई, अगर अलम के मजलूमों से आपको हकीकत में मोहब्बत है, आप चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, डेलीगेशन लेके बैठिए, बैठ के गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाइए कि जितने बेकसूरवार नौजवानों को और खवातीन बिलखसूस, मैं आज एक इंटरव्यू देखा, 7 साल की बच्ची बोल रही है कि मेरे अब्बू को मारते लग गए, बोलकर एक वीडियो क्लिप आई, मैं देखा आज, बहुत अफसोस हुआ देख के। तो आप जाइए, जाके उनको बोलिए कि जितनों को चार्जेस लगे हैं, जो सेक्शंस लगे हैं, इस सेक्शन को गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के विड्रॉल कराइए। बयानबाजी करना, शो ऑफ करना, ये कोई काम नहीं है। और दूसरी रही बात, भगवंत कोबा साहब हमारे रुकने पार्लियामेंट 2 बार मुंतखब हुए, रहीम खान साहब तकरीबन 2-3 दहाई से मिल रहे, 10 साल लगभग होने को आ गया गैप में, और तुम्हारे प्रभु चौहान साहब इंचार्ज मिनिस्टर रहे। और मैं भगवंत खोबा साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने जिस वक्त में हलफ लिए थे, आपका हलफ में क्या था कि भाई हम हिंदुस्तान के दस्तूर पे आईन के मुताबिक हम हलफ लेते हैं, और तुम्हारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तीनों लोग मिलके, आप समझेंगे कि पर्टिकुलर हम कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। बीदर एक ऐसा शहर था 1947 के बाद से आज तक पहली बार 3 कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई थी, राजशेखर पाटिल, बंडप्पा खासिमपुर, रहीम खान साहब, और ये भगवंत खोबा साहब एमपी। इन्हों कभी इंडस्ट्रियल का दौरा करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात करें क्या, पूछिए आप। मैं समझता हूँ कर्नाटक स्टेट में बीदर डिस्ट्रिक्ट वह जिला है जो जिसमें 90% इंडस्ट्रियल कोलैप्स है, फिर कहां से सबका साथ सबका विकास होगा और कहां से पब्लिक का डेवलपमेंट होगा, कहां से बेरोजगारी खत्म होगी, आप बताइए। हम बोल रहे हैं, हमारा बोलना कोई, आप बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस पे टारगेट नहीं कर रहे, नहीं, रहीम खान साहब भी बराबर के खुसुरवार, भगवंत खोबा भी बराबर के खुसुरवार, प्रभु चौहान भी बराबर के खुसुरवार।
और जमातों की लीडरशिप है वो भी बराबर के कसूरवार। आप देखिए हमदाबाद में मसला हुआ, राजशेखर पाटिल के घर में, राजशेखर पाटिल खुद एमएलए हैं, दो भाई एमएलसी हैं, एक आदमी चौराहे पर ठहर के इश्तियालंगे तकरीर करता है, उसके बावजूद भी राजशेखर पाटिल खामोश हैं, दोनों भाई एमएलसी खामोश हैं। अब तो किसको टारगेट करेंगे आप बोलिए, जबकि कांग्रेस एक घर में तीन टिकट देती है और माइनॉरिटी सिर्फ वोट देने के लिए है, माइनॉरिटी के मुद्दों पर खामोश हो जाए फिर बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे आप बताइए। चलिए जब राजशेखर पाटिल के भाई भीमराव पाटिल एमएलसी इलेक्शन जीते थे तो तब उन्होंने मीडिया से कहा था कि राजशेखर पाटिल ने तीन सीट दिए हैं, अगर चौथी सीट भी हमको देते हैं तो वो भी जीता कर लाएंगे। इस पर आपका क्या बोलना है कि चौथी सीट भी वो जीता सकते हैं, वहाँ के लोग क्या इतने उनके सपोर्ट में है कि वो चौथी सीट भी जीत कर आ सकते हैं? देखो सबसे पहली बात असलम साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये तीन सीट राजशेखर पाटिल साहब का जनरल इलेक्शन और एक भाई का जो इलेक्शन एमएलसी में मुंतखब हुआ, ग्रेजुएशन सैनेट के थ्रू मुंतखब होते हैं, यूनिवर्सिटी के कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मेंबरशिप का मसला अलग, और जो तीसरे भाई इनके मुंतखब हुए पंचायत के सीएमसी के लोग डाले, कांग्रेस के लेवल पे डाले। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस डेमोक्रेसी के अंदर कांग्रेस क्या खाली एक ही घर में पूरे भाई बिरादर को टिकट बांटती है? तो फिर एक काम कर देना भाई, एमपी का टिकट भी राजशेखर पाटिल के घर में, जेडपी का टिकट भी चेयरमैन का राजशेखर पाटिल के घर में, चेयरमैन का टिकट भी राजशेखर पाटिल के घर में, पूरे एमएलसी उनके घर में, सब उनको दे दो, चैप्टर ही खत्म कर दो, फिर कांग्रेस मुसलमानों की वोट क्यों मांगती फिर? हाल ही में गुलबर्गा के अलंद में स्थित दरगाह हजरत शेख लाडले मशायख में लिंग शुद्धिकरण को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। इस अवसर पर पुलिस ने 107 लोगों को गिरफ्तार किया था और जिनमें से 37 लोगों को बिदर में रखे जाने की खबर है। अलंद की इस दरगाह विवाद का केस बिदर के तलहा हाशमी लड़ रहे हैं, उनसे इस केस के बारे में और उन गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में जानने के लिए केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने बैरिस्टर तलहा हाशमी के आवास पहुंचकर इस विषय में उनसे बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। पहुंचे हैं, आइए बात करते हैं एडवोकेट तलहा हाशमी से। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलन का जो इशू है उस केस को आप देख रहे हैं सर, उस केस के बारे में उस विषय में थोड़ा हमको विस्तार से बताइए और कौन से सेक्शन लगे हैं उन लोगों पर, क्या हाल है अभी उस स्थिति के बारे में बताइए। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ केपी न्यूज़ चैनल का कि उन्होंने मुझसे ये सवालात किए, उनके सवालात पे मैं अभी जवाब दूंगा। जहाँ तक के सवाल हैं, वहाँ पे दरगाह शरीफ के अंदर और किस हालातों में ये सब रियॉट्स हुए वहाँ पे, वहाँ पे कुछ सीन जो हुआ अभी तक आप न्यूज़ चैनल्स में और पेपर्स के द्वारा आप लोगों को पता चला कि आखिर वहाँ पे सीन क्या हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी हम जल्द से जल्द हाथ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं आखिर वहाँ पे हुआ क्या। तो एज एन एडवोकेट मैं जब तक वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आती नहीं है, जब तक हमको असली इन्फॉर्मेशन बराबर से मिलता नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि मैं उस पर कुछ कमेंट करूँ। जहाँ तक की बात रही अलंद पे, जैसे ही हम लोगों को मालूम हुआ कि वहाँ पे करीब कुछ लोगों को गिरफ्तारी की गई है, पुलिस रात में आके लोगों से गिरफ्तारी की गई है एक दिन पहले के रिकॉर्ड्स को लेके, तो हम बिदर के कुछ ज़िम्मेदार लोगों के साथ, वो ज़िम्मेदार लोगों ने मुझे अप्रोच किया और बोला कि आप भी साथ चलिए, तो मैं उनके साथ वहाँ पे गया। हम अलंद पहुँचे, अलंद पहुँचने के बाद वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, सेक्शन 144 था, हम लोगों ने गया, हम लोग वहाँ पे पहुँच कर मुकामी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और हमें ये पता चला कि वो लोग बहुत ही डर और खौफ में थे। एक ऐसा हादसा उनके साथ हो गया कि वो लोग भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक पुलिस आना और उनकी गिरफ्तारी करना। वहाँ पे कुछ लोगों का बोलना ये था कि साहब हमारे घर के लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो लोग तो मौजूदा दिन जिस दिन ये सब हादसे हुए वो लोग तो वहाँ के शहर में भी नहीं थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने रविवार को हाल ही में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष के परिवार को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा है। कार्यकर्ता की पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इस सिलसिले में राज्य पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 28 फरवरी को शिवमोगा शहर में एक सप्ताह के बाद स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए थे। हर्ष की हत्या के बाद एक सप्ताह के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। शिवमोगा जिला प्रशासन ने यहाँ
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 4 मार्च तक बढ़ा दी है। हत्या के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने आरोप लगाया कि ये योजनाबद्ध था। करनाल बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय बागलकोट कर्नाटक के कुलपति डॉक्टर के एम इंद्रेश और उत्कृष्टता किसान उत्पादन संगठन के निर्देशक डॉक्टर अशोक एस अलूर करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने कुलपति प्रोफेसर समर सिंह के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों विश्वविद्यालयों के बीच एक दूसरे से तकनीक साझा करने के समझौते पर सहमति बनी। ऐसे शिक्षण तकनीकी कोर्स पर जोर दिया गया जिससे युवाओं को डिग्री मिलने के बाद तत्काल बाद ही उद्यम स्थापित करने के लिए तैयार किया जा सके और वो रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने लायक बने। बिहार के गोपालगंज में एक कार से करोड़ों रुपये कैश जब्त किया गया है। फुलवारिया थाने की पुलिस ने श्रीपुर के पास वाहन चेकिंग के दौरान कार से करोड़ों की रकम बरामद की है। पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। SDPO नरेश कुमार के नेतृत्व में कार से जब्त किए गए नोटों की गिनती की गई तो वो 1.5 करोड़ रुपये निकले। बरामद सभी नोट 500 और 2000 रुपये के हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि फुलवारिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर के पास पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक कार को रोका गया और उसकी चेकिंग की गई तो कार की डिक्की से भारी मात्रा में कैश मिले। जब्त रकम को थाना लाया गया जहां नोट गिनने की मशीन मंगवा कर इसकी गिनती की गई। दिल्ली नगर निगम चुनाव करीब आते ही दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। प्रमुख राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही हैं। विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ निगम भाजपा पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। आपका पूरा फोकस नगर निगम चुनाव पर है। भाजपा का पिछले 15 सालों से निगम पर कब्जा है। आप इस निगम में कब्जा करना चाह रही है। पीतमपुरा वार्ड 64 से आप नेता सुमित प्रकाश ने भाजपा पर हल्ला बोला है। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के नेता पर निगम की जमीन को हड़पने के लगातार आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया कि एक अन्य निगम पार्षद ने निगम की जमीन परिजनों को मुफ्त में दे दी है। सुमित प्रकाश ने बताया कि हाल ही में इलाके में एक सरकारी जमीन को एक NGO को बेचने की तैयारी थी, आपकी विधायक की मदद से किसी तरह बचाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच PM मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक फोन कॉल लगभग 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने सुमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जारी प्रयासों में यूक्रेन सरकार से निरंतर समर्थन मांगा है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाई NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया है। वो दूतावास के अंदर मृत पाए गए थे। मुकुल आर्य फिलिस्तीन के
रमल्ला स्थित भारतीय एम्बेसी में तैनात थे। मुकुल आर्या के निधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शोक प्रकट किया है। 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मुकुल आर्य ने इससे पहले काबुल और मास्को में भी भारतीय दूतावासों में काम किया था। फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्य के निधन पर विदेश मंत्री ने ट्वीट में कहा कि रमल्ला में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य के निधन की सूचना से गहरा दुख मिला है। विदेश मंत्री ने मुकुल आर्य को एक प्रतिभाशाली अधिकारी बताया। फिलहाल अभी मुकुल आर्य के निधन के कारणों का पता नहीं चल सका है। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के वो कलाकार हैं जिनकी 10 मिनट की स्क्रीन प्रेजेंस भी पूरी स्टार कास्ट पर भारी पड़ जाती है। उन्हें एक्टिंग का चलता फिरता स्कूल माना जाता है। नसीरुद्दीन शाह निजी जिंदगी में बेहद मुखर और हर मुद्दों पर बात करने वाले शख्स हैं। अपनी जिंदगी के बारे में भी वो हमेशा हर बात खुलकर शेयर करते हैं। अब नसीरुद्दीन शाह ने अपनी सेहत से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। नसीरुद्दीन शाह ने खुलासा किया है कि 71 वर्ष की उम्र में वो एक बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं जिसका नाम ओनोमैटोमेनिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें चाह कर भी वो सुकून से नहीं रह पाते। ये एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जिसमें शख्स बिना किसी वजह से कोई शब्द, वाक्य, कविता या भाषण को दोहराता रहता है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी जब वो सोते हैं तब भी इस स्थिति में होते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। अब यूक्रेन के ज्यादातर लोग डर की वजह से दूसरे देशों में आसरा ढूंढने के इरादे से पलायन कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन चुके हैं। यूक्रेन में रूस के युद्ध के बीच में एक 11 वर्षीय यूक्रेनी लड़का अकेले 1000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद स्लोवाकिया पहुंचा। इस दौरान उसके पास एक बैकपैक, उसकी माँ का नोट और एक टेलीफोन नंबर मौजूद था। यदि आपसे पूछा जाए कि अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी कहाँ मनाते हैं तो यकीनन आपका जवाब होगा घर में, क्लब में, होटल, रेस्टोरेंट में या फिर पार्क में। मगर क्या आपने ये सुना है कि कोई परिवार अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी को यादगार बनाने के लिए ब्रिज पर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करे? बिहार के मुंगेर में यह अनोखा जन्मदिन समारोह मनाया गया। यहाँ के एक परिवार ने गंगा नदी पर बने रेल सड़क पुल पर पूरे धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन मनाया और बर्थडे पार्टी की। दरअसल लोगों में मुंगेर गंगा पुल का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक यहां लोग सेल्फी लेने सैर सपाटा के लिए पहुंचते थे, लेकिन रविवार को एक माता पिता अपने 5 साल के बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए केक के साथ यहां पहुंचे। ब्रिज पर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन वहां से गुजरने वालों के लिए कौतूहल का विषय बना। अनोखे ढंग से मनाए जा रहे इस जन्मदिन को एक नज़र देखने के लिए राहगीर वहां कुछ देर के लिए ठहर जा रहे थे। टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो सारेगामापा का फिनाले रविवार रात संपन्न हुआ। इस शो में नीलांजना रे ने बाजी मार ली है। नीलांजना रे शो की विजेता बनी है, उन्हें जनता ने सबसे अधिक वोट दिया है। फिनाले में बॉलीवुड के जाने माने सिंगर उदित नारायण और शिल्पा राव ने शिरकत की। दोनों की मौजूदगी ने शो को और भी दिलचस्प बना दिया था। शो के रनर अप की बात करें तो शो के फर्स्ट रनर अप राजश्री बाग और सेकंड रनर अप शरद शर्मा रहे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। देश और राज्य की स्थिति और विधायक रहीम खान के कार्य और बजट के संबंध में जानने के लिए केप न्यूज के संवाददाता ने मिर्जा सफीउल्लाह बेग से की मुलाकात और ली जानकारी। बजरंग दल के कार्यकर्ता के परिवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दिए 25 लाख रुपए। कर्नाटक करनाल बागवानी यूनिवर्सिटी में होगा तकनीकी का आदान प्रदान का समझौता। बिहार के गोपालगंज में वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले 1.5 करोड़ कैश, हिरासत में लिए गए 3 युवक। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की फोन पर बात, भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर की चर्चा। 11 साल के यूक्रेनी बच्चे ने दिखाई गजब की हिम्मत, जान बचाने के लिए अकेले तय किया 1000 किलोमीटर का सफर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।